मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड के ऊपर लूटपाट करने वाले और बाइक को छीनने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। डीएसपी टाउन को गुप्त सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरे इकट्ठा होकर एक बाइक को लूटने वाले हैं। इस वक्त का बहुत बड़ी खबर अपडेट अभी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाईवे लूटपाट और लूटे हुए वाहनों को दूसरे जिलों में ठिकाना लगाने वाले अंतर जिला गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके पर से 3 हथियार, कारतूस, मादक पदार्थ और लूटी हुई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। अभी का बहुत बड़ी खबर अभी अपडेट अभी आपको प्रकाश लाइव पर देखने को मिल रहा है, वही आप देख सकते हैं तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला में हाईवे लुटेरा का भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड के ऊपर लूटपाट करने वाले और बाइक को छीनने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। डीएसपी टाउन को गुप्त सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरे इकट्ठा होकर एक बाइक को लूटने वाले हैं, बाइक सवार को लूटने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड पे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल के साथ में तीन कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा अन्य सामान बरामद किया गया। और इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इन्होंने 5 लूटी हुई बाइकें, जिसको दरभंगा से रिकवर किया गया, और इसके अलावा 2 बाइक वो जिसका इस्तेमाल ये लूट के दौरान करते थे, टोटल 7 बाइकों को बरामद किया गया है। इस प्रकार अपराध के रोकथाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इनके पास से एक पिस्टल के साथ में 3 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 7 बाइकें और अन्य सामान बरामद हुआ। लूटी हुई बाइक को क्या करते थे ये लोग? लूटी हुई बाइक को मुजफ्फरपुर और इसके अलावा दूसरी जगहों पर अपराधियों को बेच देते थे दरभंगा में, और जहां से वो अन्य अपराध में काम में आती थी, जिसको रोकने में पुलिस को सफलता मिली। कुछ बाइकें दरभंगा से भी मिली हैं, जिस मामले में दरभंगा में भी रेड की गई थी, और इन लोगों का संपर्क मुजफ्फरपुर और दरभंगा से रहा है। हाईवे पर अपराधी के इतिहास अभी इन लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। हाईवे पर ही लूटपाट करते थे क्या? हाईवे पे लूटपाट करते थे या फिर चोरी, गाड़ियां चोरी भी करते थे। अच्छा,